Hello friends, how are you all? I hope you all are doing very well. First of all, I would like to welcome you all on this YouTube channel. Please subscribe this YouTube channel. In this video, we are going to discuss about magnetic field due to a long straight current carrying conductor. कंसिडर अ स्ट्रेट वायर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग हमें एक स्ट्रेट वायर एक्स वाई लेना होगा जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है वी आर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी उस हुडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर इज ए हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से ए है कंसिडर अ करंट एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर एट द डिस्टेंस एल फ्रॉम द पॉइंट क्यू कंडक्टर का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिसकी डिस्टेंस एल होगी फ्रॉम पॉइंट क्यू हेर क्यूपीज इक्वल टू ए एंड ओ क्यू इज इक्वस टू एल ओपीज डिनोटेड बाई आर वेक्टर विच मेक्स थीटा एंगल विद हैडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू ए एन क्यू ओ इक्वल टू एल पोजिशन वेक्टर आर मेक्स थीटा एंगल विद्रेट कंडक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाय बायोट्स अबाट लो फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट ट इट फ्रॉम लोअर लिमिट माइनस फाइव वन टू अपर लिमिट फाइव टू सबसे पहले हम स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए बायोट सवार लगाएंगे फिर उसका इंटीगेशन कर देंगे इंटीगेशन करेंगे हम लोअर लिमिट माइनस फाइव वन से फाइव टू तक तो इंटीगेशन करने के बाद हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नाउ विल अप्लाय बायोड सवार लो for small current element which is dB equals to mu not upon 4 pi ideal sin theta upon r square. Now we'll integrate it. After integration we'll get total magnetic field due to straight current carrying conductor. लेकिन हम जो integration करेंगे वो एक ही variable के respect में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे formula में तीन तीन variable हैं। देखिए dl current element जिसकी length change हो सकती है sine theta

थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी से इस ट्राइंगल ओ क्यू पी में आप देखेंगे थीटा प्लस फाइव प्लस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वन एटी डिग्री होता है तो थीटा प्लस फाइव प्लस नाइन्टी इक्वल टू वन एटी डिग्री आफ्टर रीअरेंजिंग विल गेट थीटा प्लस फाइव इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो थीटा इक्वल टू माइनस फाइव हमने एक ट्राइंगल लिया ओ क्यू पी ओ ट्राइंगल में थीटा प्लस नाइन्टी प्लस फाइव इज रे so, इक्वस टू वन एटी डिग्री रीअरेंजिंग के बाद थीटा प्लस फाइव इज इक्वस टू नाइन्टी डिग्री सो थीटा इक्व टू नाइन्टी माइनस फाइव नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन साइन थीटा साइन थीटा इक्व टू साइन नाइनटी माइनस फाइव एंड साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वस टू कॉस फाइव साइन थीटा इक्वस टू कॉस फाइव आर की वैल्यू भी फाइव में लानी पड़ेगी तो इसके लिए हमें कॉस फाइव लगाना पड़ेगा कॉस फाइव का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियतना ए हाइपोटे कितना आर तो कॉस फाइव टू ए अपॉन आर तो आर इक्व टू कितना हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाइव आर इक्वस टू एक् तो हमने क्या किया हमने कॉस फाइव का फार्मूला लगाया कॉस फाइव का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस कितना है ए हाइपोटेनियस आर तो कॉस फाइव इक्व टू ए अपॉन आर

बेस कितना ए तो टेन फाइव इक्व टू एल अपॉन ए तो हमारे पास एल इक्वस टू ए टेन फाइव आ जाएगा अब हम डिफेंसिएशन करेंगे एल का डिफेंसेशन डी एल इक्वस टू ए टेन फाइव का डिफेनसिएशन सेक्स स्क्वायर फाइव और फाइव का डिफेंसेशन डी फाइव तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव तो आप बताएंगे डीएल की वैल्यू कैसे आई टेन फाइव का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस

स्क्वायर की जगह सो लो बास टू म्यूनोट अपॉन फोर साइन थीटा पुट द वैल्यू ऑफ डीएल डीएल स्क्टा इज कॉस फाइव एंड आर स्क्वायर इज ए स्क्र सेवा स्क्वायर से टाइम पर कैंसिल हो जाएगा नाउ वैल्यू ऑफ डीबीट अपॉन फोर फाइव आई कॉस फाइव डी फाइव अपॉन ए अब हम क्या करेंगे डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा लोअर लिमिट क्या लगाएंगे माइनस फाइव क्या लगाएंगे लगाएंगेल्यू ऑफ डी बी इज म्यूनोट अपॉन फोर फाइव आई कॉस फाइव डी फाइव अपॉन ए म्यूनोट आई अपॉन फोर दे आर कॉन्स्टेंट तो इनको हम बाहर निकाल देंगे किसको को म्यूनोट आई अपॉन फोर बाई ए को और इंटीग्रेशन किसका करेंगे कॉस फाइव का वॉट इज द इंडिकेशन ऑफ कॉस की लिमिट तो क्या लगाएंगे तो, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा बी इक्वल टू यूनोट साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन अपॉन फोर बाई ए आपको पता है साइन फाइव वन फाइव वन नेगेटिव था तो साइन का माइनस फाइव वन का माइनस बार आप जब माइनस फाइव वन लिमिट रखेंगे तो साइन माइनस फाइव वन साइन का माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन फाइव वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टोटल तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूलाई अपन इन टू साइन फाइव टू प्लस इज फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बी इक्व टू म्यूनोटाई अपॉन फोर बाई साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू तो फाइनल फॉर्मूला क्या है बी इक्वस टू अपॉन फोर ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन तो ये डेरिवेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर थैंक यू वेरी मच अ वंडरफुल डे